हजरत, ये सुनने में आ रहा है कि 20 मार्च को रामलीला मैदान में जो सूफी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये सूफी कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है, क्या ये बात सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि रामलीला मैदान में 20 तारीख को, 20 मार्च को जो सूफी कॉन्फ्रेंस होगी, ये मोदी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये दरअसल वही लोग इस अफवाह को उड़ा रहे हैं जिन लोगों को ये पता चल गया है कि सूफी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से उनके पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर बाधा खड़ी होने वाली है। ये वो लॉबी है, वहाबी और देवबंदी लॉबी, जो अपने दरमियान दहशतगर्दी को एक जमाने से पालते आए हैं। आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले हैं आप लोग, कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन है और हाफिज सईद है, ये तमाम हजरात देवबंदी वहाबी मसलक से बिलोंग करते हैं और इनके एजेंडा भी आपको मालूम है कि ये लोग ऑन रिकॉर्ड ये लोग जो है दहशतगर्द हैं। और सूफी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ही ये है कि हमको अपनी आवाम के साथ मिलकर तमाम खानकाहों को, तमाम उलमा और मशाइख को इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठानी है, और बैनुल अक्वामी सतह पर हम आवाज उठा रहे हैं जिससे उनको, जाहिर सी बात, उनके इंटरेस्ट को जो नुकसान पहुंचेगा तो वो लोग तो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे। सही। तो ये एक वास्तविक बात है। एक और सवाल है, सूफी कांग्रेस में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शिरकत को लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इंसान दो तरीके से गुमराह होता है, एक तो उसको शैतान गुमराह करता है और एक उसका नफ्स गुमराह करता है। वहाबी देवबंदी लॉबी एक प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं तो वो लोग मुजस्सम शैतान हैं और शैतानी हरकतें करके वो लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जहां तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, तो डॉक्टर साहब के ताल्लुक से जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ये वहाबी देवबंदी तो नहीं है, ये कुछ नाम निहाद अपने हैं जो महज नफ्स परस्ती के तहत जो है वो इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब आएंगे और उनको एक इंटरनेशनल मंच मिलेगा और जिसके जरिए उनकी तशहीर हो, शायद उनकी बात की होगी, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम महज डॉक्टर साहब को सिर्फ हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि डॉक्टर साहब हमारी नजर में वो वाहिद एक शख्सियत है जो खुलकर और बहुत ही इंटरनेशनल फोरम में जो दहशतगर्दी और टेररिज्म के खिलाफ, जिनकी न सिर्फ किताबें भी हैं बल्कि मुतअद्दिद तकरीरें भी हैं, उन्होंने यूरोप की 6 पार्लियामेंट्स को बाकायदा एड्रेस भी किया हुआ है, तो ये तमाम बातें देखकर हमें एक ऐसी शख्सियत को हमने बुलाने का सोचा कि जो शख्सियत इंटरनेशनल, जिसका चेहरा इंटरनेशनल लेवल पर जो है लोग पहचानते हो, और इस तहरीक में वो हमने देखा कि हमारे मुआविन हैं, उनका चेहरा इसलिए हमने बुला लिया। एक और सवाल है, सूफी कॉन्फ्रेंस के जरिए आप आवाम को, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा दीन दीन रहमत है, हमारे नबी रहमतुल आलमीन है, हमारे आका अलैहि सलातो वसलाम ने अपने अपने नफ्स के लिए कभी भी कोई लड़ाई नहीं करी। हमारे आका अलैहि सलातो वसलाम ने हमेशा अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, बहदानियत की तरफ बुलाया, और सरकार ने जो अल्लाह की राह की तरफ बुलाया वो नरमी से और हिकमत के साथ बुलाया। और यही मैसेज जो आज एक नफरत का दौरे दौरा है, नफरत के इस माहौल के अंदर हमें वाहिद सोल्यूशन यही नजर आया कि इस्लाम का वो पैगाम जो सूफिया कराम के जरिए फैला हिंदुस्तान के अंदर, वो वाहिद एक तरीका है जिससे नफरत का हम सामना कर सकते हैं और नफरत की दीवार को तोड़कर मोहब्बतें हम आप कर सकते हैं। 20 मार्च के प्रोग्राम के बाद भी क्या AIUM भी इस तरह के प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहेगा जो आतंकवाद के खिलाफ है? इंशाल्लाह तबारक ताला 20 मार्च के प्रोग्राम के बाद हिंदुस्तान के, न सिर्फ ये किस हिंदुस्तान के बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर भी AIUM भी दीगर तंजीमों के साथ इंशाल्लाह मिलकर और टेररिज्म के खिलाफ, वहाबियत देवबंदी के खिलाफ, बदमजेबियत के खिलाफ इंशाल्लाह तमाम गुजारा इस तरह की तहरीकें अंजाम देता रहेगा, इस तरह के प्रोग्राम अंजाम देता रहेगा इंशाल्लाह।